जी अस्सलाम वालेकुम, लेट्स स्टार्ट। कोई अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। जी अल्लाह का शुक्र है, आपकी गुड ग्रेट प्रोग्रेस फ्रॉम लास्ट सेशन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, ताकि हम फिर उसके मुताबिक चलें। कैन यू हेयर मी? यस वही है सर। जी कोई क्वेश्चन है तो मैं क्या वहां से हम स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे कुछ क्वेश्चंस थे, कैन आई आस्क? गो हेड सर मैंने डॉक्टर नाजिया का आर्टिकल पढ़ा था, उसमें एक टर्म यूज हुई भी थी, कैनेडियन रूब्रिक्स मॉडल। तो मुझे वो समझ नहीं आई कि कैनेडियन रूब्रिक्स मॉडल क्या है। वेरी गुड क्वेश्चन। नाजिया है? नाजिया को एक्सप्लेन कर दे। सर नाजिया 5 मिनट के बाद है ना ऑनलाइन हो जाएगी, थोड़ा सा बिजी है बस। तो वो जैसे ओके, ऑनलाइन, जब तक आप सर कंटिन्यू करें। तो तुम एक्सप्लेन कर सकते हो? तैयब सही है, आवाज आ रही है? जी ओके, कैन एवरीवन हियर मी? यस यस सर, यस सर, सर, चले यू आर ऑडिबल। यस सर, यस सर। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, वन ऑफ दी गोल्स वी आर ट्राइंग टू अचीव अंडर दी प्लान फॉर प्रॉस्पेरिटी, जिसमें आप सब उसका हिस्सा हैं, कि हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करें ताकि लोगों की नो हाउ होगी, स्किल्स डेवलपमेंट होगी ऑन बोथ दी एंड्स, दी जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे रूरल एरियाज हैं उनके अंदर, और फिर ऑल द वे टू यूनिवर्सिटीज, स्कॉलर्स, स्टूडेंट, रिसर्चर्स जो भी हैं। इन दोनों के दरमियान जो है, जो हमारे टॉपिक्स हैं, उनकी क्वालिटी एजुकेशन कैसे हो सकती है, तो वो हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट का नाम है प्लान फॉर प्रॉस्पेरिटी, कि हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करें ताकि हम प्रॉस्पर हो सके। ठीक है, अब जो हमारी दुनिया का चैलेंज है, अगर आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि दुनिया की बहुत बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन है जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती, तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए वन ऑफ द मैकेनिज्म के, जब भी कोई असाइनमेंट दी जा रही है, जब भी कोई क्लास वर्क हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द किंडर गार्डन ऑल द वे टू द यूनिवर्सिटी लेवल, उसको आप किस तरीके से स्टूडेंट लेवल पे, असाइनमेंट लेवल पे, लेक्चर लेवल के ऊपर आप क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली जो है बेंचमार्क करेंगे। हम जो यहाँ डेवलप कंट्रीज के रेजिडेंट हैं, हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो फ्रॉम डे वन जो स्कूल जो है वो बच्चे को जो चीज देता है उसे कहते हैं रूब्रिक्स, कि उसको एक असाइनमेंट दी गई, उसने लेट्स सपोज कि उसको अल्फाबेट याद करने हैं, तो उसने अल्फाबेट याद करके जब असाइनमेंट जमा करवाई तो टीचर ने हर स्टूडेंट की अलहदा अलहदा मार्किंग की और उसके ऊपर उसने कमेंट किए,
कि ये तुमने इस तरीके से जो किया है उसको इस तरीके से, इसमें ये खराबी है, ये इसमें खूबी है, तुम इस तरह इम्प्रूव कर सकते हो, इस तरह इसके अंदर जो है ना वो, तो वो एक मैट्रिक्स बनती है जिसके ऊपर बकायदा मार्किंग होती है और जिसपे आपके कमेंट्स होते हैं। तो एक एक आपका टूल बन गया जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं कि हाउ यू आर डूइंग एज ए इंडिविजुअल एंड हाउ यू आर डूइंग एज ए क्लास एंड सो ऑन। तो उसको कहते हैं रोब्रिक्स। तो हमने प्लान फॉर प्रॉस्पेरिटी में जो हमारा स्मार्ट स्कूल है उसके अंदर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है कि हम जब असाइनमेंट्स दे रहे हैं तो असाइनमेंट के लिए हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो गूगल क्लासरूम है। उस गूगल क्लासरूम में जो असाइनमेंट मिलती है, फॉर एग्जाम्पल के हम कह रहे हैं जी कि ये वीडियो वॉच करें, ये वीडियो वॉच करने के बाद जो है उनको कोई क्विज किया जा रहा है, उसका कोई जवाब दे रहे हैं, जो भी असाइनमेंट मिल रही है उस असाइनमेंट की मार्किंग के लिए जो मैकेनिज्म बनाया गया है उसका नाम है रूब्रिक्स। तो वो जो आर्टिकल में बात हो रही है कि दैट इज द मेथोडोलॉजी वी हैव अडॉप्टेड इवन एट द विलेज लेवल, कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कि उनको हम उसको किस तरीके से उनको लेके चलेंगे और उसके ऊपर सारी मार्किंग हो रही। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। तो ये क्वालिटी एजुकेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है उसका नंबर क्या है? फोर, एसडीजी फोर्थ फोर सर, उसे कहते हैं। नंबर फोर्थ। ठीक है, तो उसको जरूर पढ़ें, उसको देखें कि दुनिया के अंदर ग्रैंड चैलेंजेस में से ग्रैंड चैलेंज ये है कि क्वालिटी एजुकेशन आप कैसे डिलीवर करेंगे। तो आप क्योंकि बिलोंग करते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, जाहिर आपका ताल्लुक जो है वो किसके साथ है? रूरल एरियाज के साथ है, विलेजेस के साथ है। तो विलेजेस में आपने जब तक उनके साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे कि उनकी एजुकेशन को आपने कैसे बेहतर करना है, आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ही हैं, आप सॉइल साइंटिस्ट ही हैं, आपने उनसे बात करनी है, तो जब बात करेंगे तो उनको आपकी बात कैसे समझ में आएगी? तो उनका एजुकेशन के लिए आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है, और आप जो भी डिलीवर कर रहे हैं, आप जाते हैं जैसे विजिट करके भी आप लोग आएंगे तो उनसे कम्युनिकेट करेंगे, तो आप की बातचीत को हम किस तरीके से जो है बेंचमार्क करें, कौन से टूल इस्तेमाल करें? तो वन ऑफ देम इज दिस रूब्रिक्स। तो इसमें आपको एक्सपर्ट होना लाजमी है, सीखें इसको, इसको अडॉप्ट करें एज ए इंडिविजुअल भी और एज ए स्टूडेंट भी और एज ए बिजनेस पर्सन भी। तो अभी यूनिवर्सिटी की भी ट्रेनिंग हुई थी और मेरे यूनिवर्सिटी ने इसको अडॉप्ट भी कर लिया। डॉक्टर मेहर जो है इसके ऊपर आप बताएंगी कि आप लोगों को जो रूपो से एक्सपीरियंस हुआ और फिर उसके बाद जो है कराची में आप लोग गए तो हाउ हाउ वॉज इट जब आपकी ट्रेनिंग हुई है मेहर? बिल्कुल बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह से पहले भी मेरी इन बच्चों के साथ जो डिस्कशन हुई है ना, कि मैं इनको बताती हूँ कि आप होपो के इंशाल्लाह इस जर्नी में जब स्टार्ट करेंगे ना, जिस तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ से सीखा है ना, वो पहले जैसे मैं अगर इसको कंपेयर करूँ ना, बिफोर होपो और जैसे होपो मैंने ज्वाइन किया और आफ्टर, तो बिफोर का कहना कि मुझे खुद कुछ पता नहीं था कि मुझे असल में करना क्या है। मैं खुद क्लियर नहीं थी, बिकॉज जो हमारी स्कूलिंग है ऑब्वियसली वही टिपिकल गवर्नमेंट स्कूल, और जिस तरह थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं और रट्टाफिकेशन, तो ज्यादा वो लर्निंग स्टाइल सीखने का कम और रट्टाफिकेशन का ज्यादा था। लेकिन वो जैसे वो फिर ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी भी उसी तरह चलती रही कि बस वो जहन में माइंड में बात थी कि पोजीशन लेनी है और फर्स्ट पोजीशन आए, गोल्ड मेडल ले लें, बस यही टास्क था कि इंटेलिजेंट वो है जिसके हाईएस्ट नंबर है, बाकी जो है ना वो सराउंडिंग में स्किल्स वगैरह वो वाली जो नो हाउ है वो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह से जैसे मैंने आपको आपको तो वैसे पता है, शायद बच्चों को नहीं पता कि होपो किसी जो मेरी स्टार्ट हुआ था जर्नी 2021 में, मतलब 2022 में, जब मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी से ही कहीं से पता चला था कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है
जो है ना वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही है और क्लाइमेट पे काम कर रही है, तो वहां से मुझे हुआ कि मुझे इनसे कांटेक्ट करना चाहिए और मुझे इनसे बताना चाहिए कि मैं कुछ करना चाहती हूँ फॉर द सेक ऑफ फीमेल, फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। सो मुझे सर वो दिन भी आज तक याद है जब हमारी मेरा खैर 35 मिनट्स बात हुई थी इन डिटेल। आप मुझे सुनते रहे थे और लास्ट में आपने सेंटेंस कहा था कि मेहर आप सही जगह आ गई हो, ये जो कुछ आप कह रही हो इस ये सब हम मिलके कर सकते हैं कुछ। तो अब उसका जो सफर 2022 से लेके आज है 2024, और अब मुझे लगता है अब पहले पहले ऐसे का एक मतलब एक, एक कह सकते हैं ऐसी ड्राइंग मेरी लाइफ की थी जिसमें कोई खाका नहीं था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना है, आई हैव नो एनी ऑब्जेक्टिव्स के मैं किस तरफ जाऊं, जबकि इंटेंशन था कि मुझे कुछ करना है लेकिन क्या करना है उसमें मैं क्लियर नहीं थी। तो आप होपो के साथ काम करने के स्टार्ट करने के साथ ये मुझे पता चला कि मतलब नहीं सिर्फ अपने लिए नहीं मतलब दूसरों के लिए भी काम करना है, और दूसरा जो हम सीखते हैं जो चीजें सीख रहे हैं उनको समझने की ज्यादा जरूरत है, ना कि रटिफिकेशन लगाने की और कि बस इतने टारगेट दे दिया या आप लोगों ने 3 4 पैराग्राफ याद कर लिए देन आपने फिनिश कर दिया। तो ये वाली चीजें जो थी वो मेरी आपसे मुलाकात के बाद यानी कह सकते हैं कि होपो का पार्ट बनने के बाद क्लियर हुई कि एज एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट में क्या क्या कर सकती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह फिर जो हमारी दो ये जो सेमी हमने सेमिनार करवाया था जैसे आप आए थे उसमें कार्बन लिटरेसी पे, जो आपसे मेरी ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट फिजिकल मीटिंग थी, उसके उससे पहले तो हम जूम पे व्हाट्सएप पे इसी तरह और बहुत कुछ सीखा इन सेंस ऑफ के हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म, एमपीएस सर्वे, इतनी बेसिक बेसिक चीजें जो शायद मैंने 4 साल यूनिवर्सिटी के एज ए स्टूडेंट नहीं सीख सकी जो मैंने आपके साथ सीखी और भी प्रैक्टिकल सीखी। मतलब वो वाला एक सेंटेंस ना जब भी हम आपस में बात करते हैं तो सर कहते हैं कि मुझे डेफिनेशन, सर नसीर साहब हमेशा कहते हैं कि मुझे डेफिनेशन से कुछ नहीं, मुझे बताएं कि आप कैसे करेंगी, प्रैक्टिकल कैसे करेंगी, बिकॉज जब आप प्रैक्टिकल करेंगी तब बात क्लियर हो रही है कि हाँ भाई आप जो है ना इस चीज को समझ गई हैं। जस्ट लाइक कि किस तरह गूगल फॉर्म को क्रिएट किया है, सिर्फ बताया नहीं बल्कि करवाया, एमपीआई सर्वे किस तरह बनेगा। अच्छा ये हमारा जैसे कह सकते हैं कि माइलस्टोन अचीवमेंट थी कि सर नसीर साहब की गाइडेंस से और अल्हम्दुलिल्लाह से हमने ये अचीव किया कि यूनाइटेड यूएनडीपी की जो होलिस्टिक अप्रोच है उसके तहत हमने एमपीआई सर्वे क्रिएट किया, बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। और उसके बाद जो है ना हमने क्लाइमेट एक्शंस पे जो अभी कराची में हमारी ट्रेनिंग गई, आपके 2 साल साथ होपो गुजारने के बाद जब मेरी कराची में वो ट्रेनिंग गई तो मुझे लगा कि नहीं हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे जो बातें हो रही थी ब्रिटिश काउंसिल में जो बातें हो रही थी मेरे सारे बच्चों को पता है लास्ट वीक में उस लास्ट वीक में नहीं जब हम बिफोर 1 मंथ जब उस ट्रेनिंग में गए थे तो मुझे वहां पे ऐसा लगा कि नहीं हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, यानी दुनिया जिस तरफ जा रही है होपो ऑलरेडी उस पर बहुत कुछ कर रही है, सिर्फ बातें नहीं हो रही, यानी एचईसी में या ब्रिटिश काउंसिल में जो बातें हो रही थी ना उस पर हम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। वही सेम बातें कि भाई 2050 तक हमें नेट जीरो कार्बन इमिशन करना है और उसके लिए किस किस तरह का क्लाइमेट एक्शंस लेने हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से मतलब एक है कि वी हैव सो मेनी आइडियाज, और जिस तरह ये इंटर्नशिप ग्रुप है हमारा यूनिवर्सिटी में ये भी आप एक कह सकते हैं कि होपो की अचीवमेंट है, और हमारा एक और ये सारे बच्चे इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारा साथ एक एज ए एम्बेसडर होपो एम्बेसडर इंशाल्लाह काम करेंगे। एंड सर और भी बहुत सारी बातें
वाह माशाल्लाह, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड इंशाल्लाह हूँ सर। डॉक्टर, मेरे इंशाल्लाह। सारे स्टूडेंट को सर पता है कि मैं ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और स्पेशली आपकी आपके आपसे एज अ टीचर आपसे बहुत इंस्पायर हूँ। और जब ये सारे स्टूडेंट मेरे आपके साथ जो अभी हैं, ये आपको जब मुझसे सुनते थे ना, तो इनको खुद एक ख्वाहिश जागती थी कि मैम हमें ना सर नसीर साहब से मिलना है। और जैसे आप मुस्तफा, हाँ मुस्तफा है, इमामुद्दीन है माशाल्लाह से, और भी जो भी हमारे पूरे ग्रुप में स्टूडेंट हैं माशाल्लाह से सब बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं। मैंने सिर्फ इनसे एक चीज कही थी, मैंने कहा मुझे मुझे या होपो को या सर नसीर साहब को ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए जिनका टारगेट ये हो कि हमें 100 मार्क्स चाहिए। हमें ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो ये इंटेंशन करें कि हमने सीखना है और हमें वो जो स्किल से ना के अपने लिए सीखने हैं, बल्कि हमें वो चेंज दूसरों के लिए भी लाना है, वो चेंज हमारी सराउंडिंग में आए, एंड वी शुड गो इन द टीम। हम अगर ऐसे इंडिविजुअली फॉर द अवर सेल्फ चलेंगे ना कि बस हमें खुद कामयाब होना है, तो हम फिर समझे हम सक्सेसफुल नहीं है। हमारा विजन बहुत बड़ा है कि हमें चेंज खुद में लाना है ताकि हम सोसाइटी में चेंज ला सकें, ताकि हम दूसरों के साथ काम कर सकें, हम अलग काम ना करें। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह, सारी चीजें सर फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपकी सर मतलब ऐसे कह सकते हैं सरपरस्ती में सीखी है और आपके अम्ब्रेला में सीखी है, और अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैं इन सब बच्चों के साथ बहुत क्लियर हूँ। मैं इनको कहती हूँ आज हमारा 15 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, इंशाल्लाह कल 30 होंगे उससे ज्यादा, और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में एक अपनी रिकॉग्नाइजेशन जरूर बनाएंगे। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैम, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। इंशाल्लाह मैम, लुकिंग इंशाल्लाह फॉरवर्ड टू इट, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इंशाल्लाह। तो अब अच्छा, अब आ जाते हैं हम वापस से बात के ऊपर कि जब हमारी कमिटमेंट है इसके ऊपर कि जो हम काम कर रहे हैं मुख्तलिफ, इसको प्रैक्टिकली हम किस तरीके से देखें, और प्रैक्टिकली जो है वो हमारी जो चैलेंजेस हैं उनको हम लेके चले। तो एक इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू हुई थी साइलेज के ऊपर, तो उस पे हम आते हैं। उससे पहले अब इसको हम क्लोज कर लें अपना। आप सब ने जो है वो अपना अपना कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट कर लिया, तो यस सर कर लिया है। अनीता मेरे ख्याल है और इस वक्त हमारे साथ इसमें, उनको मैंने टास्क दी हुई है सबको, वो सर्टिफिकेट इशू कर रही हैं, तो जिसको नहीं मिले वो उनसे फिर कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल मेरे पास वो आ रहे हैं, तो मैं वन बाय वन को आपको भेज रहा हूँ उसके रेफरेंस से। तो हम इस पे वापस आएंगे। ये जो हमारा कार्बन कैलकुलेटर है इसको हम मजीद इस पर डिस्कशन रखेंगे। लेकिन एक जो चीज हुई थी हमारे दरमियान स्टार्ट, कि देखें हम इस पर प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोगों को कि जब आप फील्ड में जाएं, मॉडल विलेज को विजिट करें, तो आप लोग बिल्कुल वेरी वेल वर्स्ड हो, फुली प्रिपेयर्ड हो कि कौन कौन से प्रोजेक्ट पे आपने काम करना है। तो 90% आप जो है प्रिपेयर होके वहां पे जाएं, और ताकि जब आप कनेक्ट करें चीजों को तो वो आपके लिए आसानी हो कि हमने क्या करना है, क्यों कर रहे हैं। एक चीज जिसका नाम है कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, आपको बहुत लिटरेचर मिलेगा कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर। तो एक प्रोजेक्ट है जिसको हमने लॉन्च किया हुआ है कैपेसिटी बिल्डिंग में सिंध के अंदर, उसका नाम है साइलेज। तो साइलेज पे जो है वो इंटरेस्ट शो किया था मेरे ख्याल किसने, इमाम ने, कौन कौन कह रहे थे मैं इस पर रिसर्च यस करने जा रहा हूँ। सर, यस सर, इमामुद्दीन। ठीक है, तो अब उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है ना वो एंगेज करना चाह रहा हूँ कि व्हाट वी आर डूइंग, और उसके अंदर हमारा जो है आपने प्रैक्टिकली इसको किस तरीके से देखना है। हम ये कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने स्टडी करनी है कि सिंध के अंदर लाइव स्टॉक जो है वो एक बहुत बड़ा मैदान है, जिसमें सिंध बहुत पीछे है एज कंपेयर टू फॉर एग्जाम्पल पंजाब,
वर्ल्ड वाइड तो हम पीछे हैं ही हैं, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। डिमांड क्योंकि बहुत ज्यादा है क्वालिटी मीट की, क्वालिटी मिल्क की। हम अपनी डिमांड पूरे अपने मुल्क की पूरी नहीं कर रहे हैं, हमें ये चीजें इंपोर्ट करना पड़ती है, मिल्क बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब उसकी एक ऑब्वियस वजह है कि डिमांड तो मौजूद है लेकिन हम उसको प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहे। उसकी में एक आ जाती है चीज जिसको हम कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, कि सिंध के अंदर लाइव स्टॉक का फुटप्रिंट कम है। उसकी वजह यह है कि सिंध जो है उसके अंदर जो फीड है और जो लाइव स्टॉक है वो कैच 22 के अंदर फंस के रह गए, कि जो फार्मर है वो चाहता है कि मैं जानवर रखूं लेकिन फार्मर के पास फीड नहीं है उसको देने के लिए। वो इंपोर्ट करता है फीड को फ्रॉम दी दूसरे प्रोविंसेस, तो उसको बहुत महंगी पड़ती है। बाहर से इंपोर्ट करती हैं चीजें हम, तो वो बहुत महंगी पड़ती हैं, तो उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, जो फीड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी सेल नहीं होती, केजी लाइव स्टॉक नहीं सिंध में एग्जिस्ट कर रहा, तो लाइव स्टॉक होगा तो वो फीड बिकेगी। तो मैं जो है मेज की क्रॉप लगाना चाह रहा हूँ और उसे मैं साइलेज बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए कि मैंने अगर मेज उगा ली, साइलेज बना लिया, तो लोकली जो है वो मेरी इतनी डिमांड हो कि वो जानवर लोगों के पास होंगे तो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो वो कैच 22 आ गया। अब वो कैच 22 में वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो हमने लॉन्च किया यूनिवर्सिटी के साथ, कि हम साइलेज की कैपेसिटी बिल्डिंग सिंध में कैसे करें। क्लियर है? यस सर यस सर यस सर अब सर हम जो सर जी, गो अहेड। सर मेरा ये क्वेश्चन एक है कि जो आजकल सर हम देखें कि जो लाइव स्टॉक जो है वो मिल्क जो है डिक्रीज हो रहा है, इसका मेन रीज़न आई थिंक्स फर्टिलाइज़र भी हो सकता है। सर मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था डिस्ट्रिक्ट सांगढ़ में, तो उसमें सर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो सांगड़ है उसमें सर जो वेस्ट मटेरियल जो होता है ना वीट का सर वो यूज़ करते हैं लाइव स्टॉक के लिए, तो सर उसमें जो है प्रोटीन वगैरह नहीं है। तो उसका मेन रीज़न मैंने ये भी देखा था कि उसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसमें तो एक तो प्रोटीन नहीं होती और जो है फर्टिलाइज़र जो सर वो है बहुत यूज़ होता है, जैसे कि सर हमारा वीट्स वगैरह है उसमें फर्टिलाइजर या केमिकल अदर्स जो केमिकल सर यूज़ होते हैं जिसकी वजह से उसका इम्पेक्ट बहुत आता है सर हमारे लाइफ स्टॉक पे। इसके अंदर जो है ना कुछ चीजें आपको देखनी है एज ए क्या कहना चाहिए, एक्सपर्ट एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होने के नाते से आपने चीजों को समझना है कि मैं आपके पास जाता हूं और मैं कहता हूं मैं बीमार हूं, ठीक है? अगर तो आप डॉक्टर हैं फिर तो आप मेरी कुछ एनालिसिस कर सकते हैं कि डायग्नोज कर सकते हैं कि मुझे क्या बीमारी है। अगर आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं तो आप कहोगे भाई तुम गलत जगह आए हो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी वैसे हमदर्दी कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारी बीमारी कौन सी है क्या नहीं, तुम्हें सर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता, ये डॉक्टर के पास जाओ वो बताएगा, ठीक है? तो जब तक डॉक्टर नहीं बताएगा हम उसके ऊपर नहीं कह सकते कि क्या प्रॉब्लम है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो आपने बात की है लाइव स्टॉक की कि दूध कम हो रहा है उसमें फर्टिलाइजर का इशू है, इसमें रियलिटी जो है वो नहीं है, ठीक है? ये बिल्कुल ऐसे ही कमेंट हम कर रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि जी मैं डॉक्टर नहीं हूं और मैं किसी की बीमारी पे कमेंट करना शुरू कर दूं कि यार तुम जो है ना प्लांट से ले लो तुम्हारी तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी, और मुझे पता भी नहीं कि उस बेचारे को कैंसर है या क्या है और मैंने उसके ऊपर जो है ना अपने हकीमाना मशवरा दे दिया। तो हम लोगों में पाकिस्तान में जो है ना मशवरा मुफ्त, वो हर चीज पे फौरन मिल जाता है, तो लेकिन देखने वाली बात होती है।
तो अब यही वो चीज है, दिस इज अ ह्यूज चैलेंज जिसको हम कर रहे हैं, जो आपने जाके देखना है। इसका नाम है कि उसकी फीड जो है वो प्रॉपर है कि नहीं। हमारा जो प्रॉब्लम है कि हमारा जो एनिमल है वो स्टार्विंग है, हमारा एनिमल भूखा है, हम तो उसको फीड दे ही नहीं पा रहे। एज ए राइट सर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट आपने क्या देखना है कि जो मार्केट शेयर है मिल्क प्रोडक्शन का वो किसके पास है? इसका है जो आप किसी के पास? अस्सलाम वालेकुम सर। सर सवाल रिपीट करें, आवाज की वजह से सही से समझ नहीं आई, आवाज कट रही है। मैं सवाल ये कर रहा था कि जो हमारा मार्केट शेयर है डेयरी फार्मिंग का, वो किसके पास ज्यादा है? व्हाट हु इज द शेयर होल्डर? पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग है, दूध पैदा करते हैं लोग, तो उसका बड़ा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? उसका स्टेक होल्डर है हमारा छोटा फार्मर। और पता कितना बड़ा स्टेक है उसका? उसका स्टेक है 84%। ठीक है, अब आप मुझे एज ए एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ये बताएं कि 84% जो शेयर होल्डर है वो तो प्रॉपर फीड ही नहीं दे रहा उसको, अपने एनिमल को। तो एनिमल जब भूखा होगा वो दूध कैसे पैदा करेगा? नंबर वन। नंबर टू के उसकी जो वो है अपना खुराक कौन सी होनी चाहिए वो उसको पता ही नहीं है, फार्मर को। जब उसको ये पता ही नहीं है कि मैंने कौन सी खुराक देनी चाहिए, तो उसका तो अंधेरे में वो बेचारा चल रहा है। उसको कौन बताएगा कि यार ये वाली तुम दो? और उसके बाद जो आप लोग हैं एज ए एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, आप लोग जब तक एजुकेटेड नहीं हो कि यार ये वाला जो है ना बाजार में जो बिक रहा है ये हार्मफुल है, इससे नुकसान होगा, ये वाली प्रॉपर क्वालिटी है और उसका ये एनालिसिस है, ठीक है? और जब तक आप लोगों की इस पे ग्रिप नहीं आएगी, आप फार्मर को कैसे हेल्प करोगे? एंड हेयर इट गोज कि इस यही चीज आपके लिए बन जाती है क्या? बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसी को आपने देखना है कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी कैसे बन रही है। ठीक है, उस ये इस ये जो हम कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, इन सारी चीजों को जिस वक्त आप देख रहे हैं, मैंने आपसे बार बार ये एक ही चीज आपको कहनी है कि इसमें मुझे ढूंढ के बताओ कि अच्छा ये वाले काम के अंदर आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। जब तक आप इस चीज से नहीं देखोगे, आपके अंदर वो चीज नहीं आएगी कि ओके इसको मैंने ग्रैब करना है, इससे ये फायदा होगा और ये मैं वैल्यू इसमें ऐड करूंगा और दिस विल बिकम ए इंटर्नशिप, इससे मेरा बिजनेस बनेगा, इससे मैं किसी के लिए जॉब क्रिएट करूंगा, इससे मैं किसी को लो जो किसी की हेल्प कर दूंगा। तो ये साइलेज है, ये नाम है फुल मील का। अगर फुल मील आप देंगे तो वो अपना वेट गेन करेगा, अगर वो मीट के लिए आप पाल रहे हैं उसको, और उसका दूध की प्रोडक्शन बढ़ेगी अगर उसको आप दूध के लिए पाल रहे हैं। अब साइलेज अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है? तो साइलेज ना अवेलेबल होने की क्या वजह है? उसको हम कौन सी चीजें हैं कि जिसकी वजह से वो साइलेज को हम जो है अवेलेबल कर सके? तो वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं उसका नाम है कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, यस सर। तो अब
इस पे अपना जो चीज मैंने कही थी वो ये कही थी कि इस वक्त जब आपने जाना है और ये आप इमाम के साथ कोई और शामिल होना चाहता है तो मोस्ट वेलकम कि आप लोग ये देखें डॉक्टर मेहर से वो ले लें कि इस वक्त जो प्रैक्टिकली यूनिवर्सिटी ने अभी तक किया है हमारे मॉडल विलेज में साइलेज की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, और वो जब आपने जाना है वहां पर तो फिर आपने उसको समझना है कि इसमें क्या हो रहा है और क्या करना है। अच्छा सर, हमने प्लान किया हुआ है ना, जैसे आपने और हमने जो इंटरनी का शेड्यूल फाइनल किया था ना कि कौन कौन से लेक्चर्स देंगे, तो हमने इन बच्चों के लिए लेक्चर्स रखे हुए हैं डॉक्टर जुलकर नेम सालपुर के ना, जो साइलेज पे काम कर रहे हैं होपो के साथ, तो उनका इंशाल्लाह मैंने अभी हम मंडे और ट्यूसडे जो है ना यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप है जिसमें इंटरनी में से भी पूरा तकरीबन ग्रुप मेरे साथ वहां बिजी है मंडे और ट्यूसडे, तो हम डॉक्टर जुलकरनैन से इंशाल्लाह बात करेंगे वेनिसडे वाले दिन कि वो हमें कब टाइम देते हैं, तो ये पूरा ग्रुप जो है ना उनकी फैकल्टी जाएगा जो एज हमने पहले ही प्लान किया हुआ है, तो मेरा ख्याल है जब वो उनके साथ लेक्चर्स लेंगे ना ये इंटरनी एक दिन या दो दिन उन सर के साथ गुजारेंगे तो उसके बाद ये पूरे क्लियर हो जाएंगे साइलेज के हवाले से। जबरदस्त। देखिए एक चीज और आप लोगों ने सीखनी है कि जब आप जाते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर तो आप लोगों ने अपना होमवर्क करके जाना है। चैप्टर जुल्करनैन जो है वो जाहिर है कि डोमेन में अपने एक्सपर्ट हैं। अब वो उनके साथ आपका सेशन हो रहा है 1 घंटे का 2 घंटे का, आप अगर उसमें आप प्रिपेयर होके जाएंगे उनसे सवालात करेंगे तो उसका फायदा आपको ये होगा कि नंबर 1 वो आप मैक्सिमम उनका टाइम का फायदा उठा लेंगे, नंबर 2 उनको भी मजा आएगा कि वो एक एजुकेटेड ऑडियंस से बात कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों हर हर डोमेन जो है उसकी एक अपनी कम्प्लेक्सिटी है। तो अब उसमें करना आप लोगों ने ये है कि उनसे जाने से पहले आपका होमवर्क ये होना चाहिए कि मैं वीडियो शेयर करूंगा, वो आप लोगों ने जो इन लोगों ने वहां पे विजिट किया है और जो काम करके आई है यूनिवर्सिटी वहां पर मॉडल विलेज में, उसको अच्छी से देखें और उसको समझें कि वो क्या करके आए हैं और उस पे आपने क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। और फिर आई वुड रिक्वेस्ट मेहर आपसे भी और फिर डॉक्टर वहीद से भी कि अगर वो छोटा सा 5 मिनट का जो है ना वो एक्सप्लेन कर सकें कि ये जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं डॉक्टर जुलकरनैन तालपुर के साथ और डॉक्टर जाम जो हैं अलियास जाम जो हैं वो उस पे काम कर रहे हैं, उसका स्कोप क्या है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डिलीवर, ठीक है। और फिर हम उसको लेके चलेंगे और उसमें कुछ हमने इन्वेंशन की है वो मैं चाहता हूँ कि वो इन्वेंशन जो है ना वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने और मे भी उसमें इमाम या जो भी उसके साथ इस साइलेज पे काम करना चाह रहे हैं वो उसको अर्न कर ले। दैट वुड बी ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ दिस ग्रुप कि हमने ये जो है ना वो बड़ी जबरदस्त चीज जो है उसको हम लेके जो है ना वो आगे चल रहे हैं। किसके ऊपर? साइलेज के ऊपर। साइलेज इज अ ह्यूज क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, क्योंकि सिंध के लिए इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है और होगी और हो रही है इंशाल्लाह, क्योंकि डिमांड है ना एग्रीकल्चर इकोनॉमी को समझिए आप, डिमांड है, जब किसी चीज की डिमांड होती है तो वो किसी ना किसी तरीके से वो फिल होना शुरू होती है। क्लियर हो गया? यस सर, यस यस सर, सर। यस अच्छा सर। आप किसी और दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं, वो जो लिस्ट है महर उसके मुताबिक 1 बाय 1 हम चलना शुरू करें ना कि कौन कौन से जी टॉपिक्स हैं। बिल्कुल सर। हाँ मुस्तफा, अगर आपके पास हो तो आप शेयर करते, मैंने ग्रुप में शेयर की थी लिस्ट जो टॉपिक्स की थी ना। मैम मेरे पास है तो सही लेकिन ग्रुप में शेयर करनी है, रिसेंट करनी है। नहीं, जस्ट पिक पिक दी वन टॉपिक ताकि हम अब उस टॉपिक पे आए उस लिस्ट में से कि हमने उसको क्लियर करना है ना कि 1 बाय 1 के भी ये टॉपिक्स हैं उस पे, ये मैंने एक तो क्लियर कर दिया आपको कि लाइव स्टॉक के ऊपर साइलीज का है,
उसको आपने समझना है, उसके ऊपर जो भी ग्रुप उसमें इंटरेस्टेड हो, इमाम पे है ही है, उसके साथ जो भी करना चाहे वो वीडियो शेयर करूंगा। वीडियो तो सबने देखनी है, इरिस्पेक्टिव कि आप वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है,